सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से नहाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, पर यहाँ आज एक ऐसा वीडियो हम आपको दिखाएंगे जिसमें चंद मिनटों में ठंडा पानी गर्म हो जाएगा और इसमें आपके पैसे भी खूब बचेंगे। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, तो चलिए फिर बिजली से भी सस्ता सर्दी में पानी गर्म करने का देसी जुगाड़ आपको दिखाते हैं। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और इससे बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। ठंड से बचने के लिए एक शख्स ने कुछ ऐसा ही देसी जुगाड़ अपनाकर एक गीजर तैयार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स ने कुछ ऐसा देसी जुगाड़ किया जिसे देख लोग दंग रह गए। एक आदमी ने सिर्फ कॉपर की पाइप से ऐसा उपाय किया कि मिनटों में पानी गर्म हो जा रहा है। इसको देख कुछ लोगों ने तो बिजली की चिंता खत्म की, जैसे कमेंट किए हैं। वायरल हुए इस वीडियो में देख सकते हैं आप कि एक कॉपर की पाइप को पानी के नल से जोड़ा गया, फिर उसे स्प्रिंग जैसा घुमाया गया। जो राउंड वाला हिस्सा है वो गैस बर्नर पर है, वहीं एक दूसरे हिस्से पर देखेंगे तो वो टब में रखा नजर आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही नल को खोला जाता है वैसे ही पानी पाइप से घूमता हुआ टब में जाकर गिर रहा है, लेकिन इस दौरान जो हिस्सा गैस पर है वहाँ पानी घूमता है और गर्म होकर सीधा टब में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कारण से ये देसी जुगाड़ कारगर और बिजली बचाने का सही तरीका माना जा रहा है। वैसे पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक मिलियन में व्यूज और लाखों लाइक्स मिल चुके हैं। वीडियो देखकर जो लोगों ने जमकर रिएक्शन दिए। एक और जहां कुछ लोगों ने इसे देसी जुगाड़ की तारीफ की, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी गर्म करने वाली रॉड को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स ने इसे गैस की बर्बादी भी कहा। एक यूजर ने कमेंट किया कि क्या आइडिया है सर जी, दूसरे ने लिखा जुगाड़ का नाम इंडिया। तो आपको कैसा लगा ये देसी जुगाड़, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही वायरल खबरों के लिए देखते रहिए KBC News।